हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे नोवल प्लस सिरप के बारे में। नोवल प्लस सिरप में जो होता है आपका मेफेनेमिक 100 mg और पैरासीटामोल 250 mg के बारे में बताएंगे, जैसे कि इस सिरप का यूज कहां पर होता है और कहां पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे हाथ में एडोपार MFDS सिरप है, इसे आप सिरप भी बोल सकते हैं, सस्पेंशन भी बोल सकते हैं। ये आपको दोनों फॉर्म में मिल जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में आता है जिसमें कि मेफानेमिक एसिड और पैरासीटामोल होता है, और ये 60 ml की आती है, शीशी जो आती है आपकी। इसमें जो होता है आपका मेफानेमिक एसिड जो होता है वो होता है आपका 100 mg में, और ये जो होती है आपकी पैरासीटामोल ये होती है 250 mg में। इसमें जो एक जो प्लेन भी आता है एडोपार के नाम से, सिर्फ उसमें मेफानेमिक 100 mg और पैरासीटामोल होगी सिर्फ 125 mg, जिसमें डीएस लग जाता है वो डबल स्ट्रेंथ में हो जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा है पैरासीटामोल जो है इसमें 250 mg और मेफानेमिक है 100 mg, और ये जो है आपको 5 ml में मिलेगा। 5 ml में जो है मेफानेमिक 100 और पैरासीटामोल 250 mg में। अब जानते हैं मेफानेमिक के बारे में। मेफानेमिक जो है आपकी एक NSAID ग्रुप की मेडिसिन है, जो कि दर्द में और क्या कहें सूजन में इसका इस्तेमाल होता है मेफानेमिक का। जैसे कि बच्चों के पेट में दर्द होता है या कहीं पर स्वेलिंग आ जाती है, उसमें इसका अच्छा यूज़ होता है मेफानेमिक का। एंटीपायरेटिक दवा है ये। और पैरासीटामोल, जैसे कि आपको पता है पैरासीटामोल जो है एक एंटीपायरेटिक दवा है, जो कि बुखार में इसका इस्तेमाल होता है पैरासीटामोल का, और मेफानेमिक को होता है एनाल्गेसिक में, जो NSAID ग्रुप की दवा है। इसे सिरप को जो है आपको बच्चों में 1 साल से, मतलब 1 साल से लेकर 6-7 साल तक के बच्चे का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पैरासीटामोल का और इसका मेफानेमिक का। ये सिरप जो है आपको बच्चों में 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को देनी है 2.5 ml, और 5 साल से ऊपर को देनी है 5 ml दिन में 3 बार, मतलब बुखार होने पर दे सकते हैं इसे, दर्द होने पर, बुखार होने पर दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका दवा का इस्तेमाल होता है वो बच्चों में बुखार में और क्या कहें बच्चों के पेट के दर्द में सबसे ज़्यादा इसका सिरप का इस्तेमाल होता है, इसका मेफानेमिक एसिड का और पैरासीटामोल का। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।